आपने एक बहुत ही डिमांडिंग और कभी ना खत्म होने वाले कोर्स के बारे थंबनेल पे पढ़ा है, दैट इज MBA इन डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज का जो युग चल रहा है ना, ये बिल्कुल कंप्यूटर का युग चल रहा है, लैपटॉप का, टैब का, मोबाइल का चल रहा है, ईमेल का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, टम्बलर का, लिंक्डइन का चल रहा है। ये आप मेरी बातों से सहमत हैं तभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे थंबनेल ने आपको अट्रैक्ट किया है और आप जिज्ञासाजनक हैं, आप जानना चाह रहे हैं ताकि इस कोर्स में फ्यूचर कैसा है। तो मेरे भाई, जानकारी को पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का आप सबके अपने YouTube चैनल वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। MBA अपने आप में एक पहचान है, अपने आप में एक मान सम्मान दिलाने वाला, इज्जत दिलाने वाला, अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज दिलाने वाला एक एकेडमिक कोर्स है। इस पे एड ऑन मैं कर रहा हूँ जो अपने थंबनेल में पढ़ा, MBA डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज जितनी भी बड़ी बड़ी नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनी है या एक छोटी सी भी फॉर्म क्यों ना हो, छोटी सी कंपनी क्यों ना हो, सभी हम लोग डिजिटली प्रमोट करना चाहते हैं और इसके टेक्निक्स को सिखाया जाएगा, इसकी एजुकेशन को आपको पढ़ाया जाएगा कि हाउ टू प्रमोट, हाउ टू गेट मैक्सिमम लीड्स फ्रॉम द कस्टमर, अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसकी स्ट्रेटेजी होती है, उसका एक सिस्टम होता है। जैसे आज YouTube भी एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। आज हमारा जो वीडियो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं YouTube के माध्यम से ही देख रहे हैं। जितने भी सोशल मीडिया हमारे समाज में आज चल रहे हैं, सभी हमारे तक संदेश पहुंचाने में, कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, हमारे बिजनेस को प्रमोट करने में मदद कर रहे हैं। तो चूंकि MBA अपने आप में एक अच्छा कोर्स है, साथ ही साथ आपने उसमें स्पेशलाइजेशन कर लिया डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट में, अब आप बताइए क्या आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा या जॉब आपको ढूंढेगी। आज MBA लोग HR, मार्केटिंग इस तरह का ही करते हैं, लेकिन मैं आपको गाइड करना चाहता हूं। अगर आपकी ख्वाहिश है कि मेरी एक अलग पहचान हो, मेरी एक डिफरेंट सैलरी हो, मेरे डिफरेंट पोजिशन हो, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिले, अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज मिले, तो आपको करना होगा समथिंग डिफरेंट। इतिहास उसी ने रचा है जिसने कुछ रिस्क लिया है, जिसने कुछ नया किया है। भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो भीड़ में ही गुम हो जाएंगे। भीड़ से अलग बनना थोड़ा सा जोखिम भरा ज़रूर होता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जिसने रास्ता को चेंज किया। और ये रास्ता किसी से भी आप एडवाइस ले लें, खुद भी गूगल कर लें, किताब पढ़ लें, पेपर पढ़ लें, न्यूज़पेपर सोच लें, पढ़े लिखे ज्ञानी इंसान से पूछ लें कि भैया, अंकल, ये जो फ्यूचर आने वाला है, ये कंप्यूटर का, लैपटॉप का, टैब का, मोबाइल का एरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आजकल AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बताइए मैं कहाँ पर आपको गलत गाइड कर रहा हूँ। अगर आप इसका कोर्स कर लेते हैं, स्पेशली आप MBA इन डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स कर लेते हैं जो कि मात्र 2 ईयर्स का होगा एंड देयर विल बी 4 सेमेस्टर्स ओनली, जैसे कि नॉर्मल MBAs होते हैं, ये भी सेम वैसे ही MBA होगा। साथ ही साथ लॉकडाउन में आपने देखा सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, ट्यूशंस, कोचिंग सब बंद हो गए, लेकिन जिन्होंने जूम एप्लीकेशन या और भी सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड किया, पढ़ाया, उनकी भी ज़िंदगी आगे बढ़ी, बच्चों का भी भला हुआ। तो आप बताइए, अभी डिजिटल या फिर टेक्नोलॉजी का सहारा था या नहीं था। इस तरह से हजारों मिसालें देने के लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। जो भी मेरे भाई या मेरी बहनें ग्रेजुएशन कर चुकी, मिनिमम 45-50% मार्क्स ला चुकी हैं, वो आराम से MBA कर सकती, इस कोर्स में कर सकती है। अब आप कहोगे, सर आप तो गाइड बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस तरह का कोर्सेज नहीं कराती या जो कराती है वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाता। तो हम करेंगे आपके सपनों को साकार और दिलाएंगे आपको AICT, UGC अप्रूव्ड, PCI अप्रूव्ड, BCI अप्रूव्ड, NCTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, बिकॉज वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर है। यानी हम लोग को ऑथराइजेशन मिला कि हम आपका एडमिशन ले सकते हैं। हम आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएँ, खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, आप भी एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, किसी नए फील्ड में प्रवेश करना चाहते हैं जिसका भविष्य बहुत उज्जवल हो, नन अदर देन MBA इन डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट इसका कोर्स कीजिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, वो भी किफायती रेट में, बिकॉज हम लोग आपके बजट का भी ध्यान रखते हैं। आपका पहला एक्शन ये होगा, दिए गए नंबर पर फोन करें ताकि हम लोग आपको मोटिवेट करें, गाइड करें, सपोर्ट करें, एडमिशन दिलाने में सहयोग करें, बिकॉज पढ़ेगा हमारा देश तभी तो आगे बढ़ेगा हमारा देश। ये ज़िंदगी सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपके साथ जुड़े हुए जितने परिवार के लोग हैं सबकी ज़िंदगी है। अगर आज आप कामयाब होते हो तो आपसे जुड़े हुए लोग भी कामयाब होते हैं, हेल्दी होते हैं, हैप्पी होते हैं, खुशहाल होते हैं। फैसला आपके हाथ में है,
एक ग्रेजुएट होकर जिंदगी पार करना चाहते हैं या थोड़ा जद्दोजहद करके एजुकेशन लोन लेके या कहीं और से भी पैसा अरेंज करके अगर आप कोर्स कर लेते हो, तो आज जितनी भी लीडिंग कंपनीज है सब अपने आप को डिजिटली प्रमोट करना चाह रही है, चाहे वो SEO हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, या जितने भी सोशल मीडिया या जितने भी साधन हैं, YouTube भी प्रमोट करने का एक साधन है जिसके माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हो। चलते चलते आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है, देश के हित के लिए, ऐसे लोगों के हित के लिए, ऐसे बहन और भाइयों के हित के लिए जो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती है, समाज में कुछ करके दिखाना चाहती है या चाहते हैं, उनके हित के लिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाएं। जो मेरे गार्जियन अपने परिवार को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सऊदी, दुबई, ओमान, कतर में मेहनत कर रहे हैं, उनके हित के लिए इस वीडियो को वहां तक शेयर करें ताकि वीडियो देखकर वो भी अपने बच्चों को MBA का एजुकेशन दिला के एक कामयाब इंसान बना सके। आशा करता हूँ मेरी बातों को फॉलो करेंगे, खूब शेयर करेंगे, वीडियो को वायरल करेंगे देश के हित के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।